गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। जो हमारी लास्ट टाइम हमने किया था, क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वेश्चन दिए थे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज। आपको पता है चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्लेम जो है वो देख लीजिए पहले क्या है। टैन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। एक्स जो है बिलोंग करता है 0 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, या राइट हैंड साइड लिखते हैं, एक आर एच एस भी है। जैसे हमें राइट हैंड साइड ली 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x 1 + x। अब हमें यहाँ पे x की जगह पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका प्रूफ क्या है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करेंगे। जैसे मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ से मुझे इसी को देख के पुट करना है। तो tan ऑफ थीटा कितना आएगा, रूट एक्स। तो थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। चलो, जब हमने वैल्यू को पुट किया तो मिला 1/2 cos इनवर्स 1 - tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 cos इनवर्स, ये cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा का। ठीक है, तो ये और ये कैंसिलेशन होती है 1/2 ऑफ थीटा बाय सब थीटा 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 इज इक्वल टू नथिंग tan इनवर्स रूट एक्स। तो देख लीजिए हमारा प्रूफ क्या था, हमने इस क्वेश्चन को tan इनवर्स रूट एक्स के इक्वल ही प्रूव करना था। दोबारा देख लीजिए क्या क्या हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा कि करना क्या है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता तो इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, वी हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको लिया, इसमें एक्स की वैल्यू को पुट किया, लेकिन किस तरीके से भी किया ताकि हमें एक्स क्या मिल जाए, थीटा क्या मिल जाए, tan इनवर्स रूट एक्स। हमने जब वैल्यूज पुट की तो ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है कि cos ऑफ 2 थीटा के बहुत फॉर्मूले हैं इसके। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 2 cos square थीटा -1 मिलता है, 1 - 2 sin square थीटा भी होता है, 1 - tan square थीटा / 1 + tan square थीटा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस फॉर्मूले को पुट करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cot इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड। हम इसमें देखिए हमारा जो क्लेम है क्वेश्चन नंबर 10 में, cot इनवर्स रूट 1 + sin x + रूट 1 - sin x इज इक्वल टू है तो 1 + sin x - रूट 1 - sin x इक्वल्स टू, हमें आंसर चाहिए एक्स बाय 2। और जो एक्स है वो बिलोंग करता है 0π/4/2 ओपन में। ठीक है, हमें आंसर चाहिए एक्स बाय 2 इस क्वेश्चन में। तो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन तो निकलेगा ही। तो हम इसमें लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमने इसको लिखा cot इनवर्स रूट 1 + sin x + रूट 1 - sin x अपॉन 1 + sin x - 1 - sin x। रैशनलाइज कर दीजिए 1 + sin x + रूट 1 + sin x अपॉन 1 + sin x + रूट 1 + sin x। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, cot इनवर्स a + b * a - b। तो ये प्लस का आएगा, a + b का होल स्क्वायर 1 + sin x + 1 - sin x का होल स्क्वायर नीचे कितना आएगा, 1 + sin x का होल स्क्वायर - 1 - sin x का होल स्क्वायर। ये कैंसिलेशन से कैंसिलेशन, तो cot इनवर्स a का स्क्वायर + b का स्क्वायर
प्लस टू ए बी, तो टू ए बी करेंगे तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे बच्चे आप लोगों को मिला यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये माइनस वन माइनस टू कैंसिल किया गया हम लोगों ने रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर किया है नीचे, सॉरी ये माइनस है, ये सॉरी ये माइनस है, ठीक है। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा, तो टू ए बी क्या होगा वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा रूट कॉस का एक्स, रूट कॉस का कैंसिल, ये और ये कैंसिल, नीचे आएगा टू साइन ऑफ एक्स। तो बच्चा लोग यहां से आप लोगों को मिलता है कॉट टू माइनस टू कॉस एक्स अपॉन मिलता है टू साइन ऑफ, तो आप लोग ने यहां से करना है cot इनवर्स टू कॉमन लीजिए वन माइनस कॉस एक्स टू साइन ऑफ एक्स कैंसिल, cot इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स, cot इनवर्स वन माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू और cos x by 2, ठीक है। तो जब हमने इसको देखा तो ये कैंसिलेशन होती है sin sin के साथ जाता है, तो cot इनवर्स x by 2 sin x by 2, नीचे कितना बच गया, नीचे बचा cos x by 2, तो cot इनवर्स कितना है cot x by 2 कैंसिल x by 2 आंसर, ये आप लोगों का प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी इसमें आपको हिंट भी दिया गया है, तो इसमें हिंट दिया गया है आप लोगों को कि आपने पुट करना है एक्स की जगह कॉस ऑफ टू थीटा। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 पर करूंगा, 11 आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, देख टेक लेफ्ट हैंड टेक एल एच एस, हम लिखेंगे टेक एल एच एस, टेक एल एच एस, ठीक है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, साइन इनवर्स तो आएगा वन बाई थ्री, ठीक है, रूट वन माइनस टू रूट टू बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू रूट टू बाई थ्री रूट वन माइनस वन बाई थ्री का होल। इसको आगे यहाँ लेके जाएंगे, ये आएगा साइन इनवर्स वन बाई थ्री। तो बच्चा ये हमारा ऊपर देखिए वन माइनस ये एट बाई थ्री बन रहा है, करके देख लीजिए टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, और यहाँ बच गया टू रूट टू और बाई थ्री, और ये बच्चे बनेगा नाइन माइनस वन एट बाई नाइन बनेगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, साइन इनवर्स वन बाई थ्री रूट, बच्चे ये कितना आ गया स्क्वेयर का, सॉरी तो ये नीचे क्या है, ये नाइन है, तो नाइन माइनस एट कितना बन जाएगा, नाइन माइनस एट आ जाएगा वन बाई नाइन, ठीक है, ये आ जाएगा टू रूट टू, ये भी टू रूट टू आ जाएगा, ये थ्री है, ये नीचे कितना आएगा थ्री, जब स्क्वेयर से बाहर आएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स वन बाई थ्री, वन बाई थ्री प्लस ये आएगा टू रूट टू, टू रूट टू, टू रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा एट बाई नाइन, ठीक है। तो साइन इनवर्स तो थ्री बचा प्लस एट बाई नाइन बचा, दूसरी जब नाइन आ गया साइन इनवर्स ए प्लस वन एलसीएम नाइन, ये नाइन आ गया एलसीएम और ए प्लस वन नाइन, नाइन एन कैंसिल, साइन इनवर्स वन तो हम देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, कैंसिलेशन हुई तो भाई देख लीजिए आप लोगों का आंसर आ चुका है, कितना आंसर आ गया पाई बाई टू। तो यही हमारा क्लेम था आज का, तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।